अजीम अभी एटलीस्ट अभी भेज दो तुम्हारा रिक्वेस्ट अगर अभी आ गया कूलेस्ट बैड बॉय कनेक्ट करो हेलो हेलो हाँ भाई सलाम अलैकुम नो टुडे ऑफ हाँ जी बताओ अभी तुमको क्या बोलना था जो भी बोलना भाई मुझे ये बोलना था कि जो उन्होंने जो बताया जी जी भाई जो उनने बताया है कि मैंने नाम खराब किया मैंने धमकी दिया ये वो मैंने उनको स्टार्टिंग से एक ही चीज बोला था मैंने अरिशफा को जो बोल रहे जो मैंने ब्रेन वॉश किया भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी करते हैं कि वॉइस रिकॉर्डिंग करके ये कि मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैंने बोला ठीक है आंटी आप वॉइस रिकॉर्डिंग करे अब जो भी करे आप अपने जगह पे आपको धमकी लग रही है कुछ भी लग रही है तो आप अपने हिसाब से समझिए लेकिन मैं आंटी यही चेक करना चाहता हूँ कि आपकी देखो आपकी बेटी की इज्जत है ठीक है आपकी बेटी की इज्जत है और मेरी भी घर की बच्ची है अगर मैं आपकी बेटी की इज्जत उछालूंगा खराब करूंगा तो करके अल्लाह कल घूम फिरा के मुझे मेरी बच्ची को भी तो दिखाएगा ना मेरे घर की बेटी को भी राइट घूम फिर के भी उसकी भी बदनामी होगी मैं ये समझा रहा हूँ क्या उनने उनने बोले कि अच्छा तुम अब तुम तुम्हारा तुमको तुम्हारी बहन की बहुत इज्जत प्यारी है करके ये वो तो मैंने बोला मुझे मेरी बहन की इज्जत प्यारी है और मेरे को आपकी भी बेटी की इज्जत प्यारी है तो करके मैं आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ लेकिन आप फोटो वायरल कर रहे हो फोटो उसका नाम खराब नहीं वो तो मैंने भी देखा है जो उसकी मम्मी कर रही है अरिशफा की मम्मी ने जो किया है ना जी जो फोटोज वायरल कर रही है जो भी वो डाल रही है अरिशफा के बारे में वो गलत है वो मैं भी समझ सकता हूँ मैं भी देख रहा हूँ वो सब चीजें मैं उनसे वही बात कर रहा था कि देखो मैं भी उनको वही समझा रहा था देखो अजीम एक्चुअली ये सब सिचुएशंस ऐसी होती है ना कि हम किसी से लड़के सॉल्व नहीं कर सकते नहीं कर सकते प्यार मोहब्बत से कर सकते भाई मैंने उनसे बहुत प्यार मोहब्बत से बात किया था मैंने यही कह रहा था कि आंटी देखिए आप समझिए बात को वो आंटी वो समझने को तैयार ही नहीं है क्या बोलना चाह रही है क्या नहीं बस उनको एक ही चीज है कि मेरी बेटी का नाम क्लियर देखी है कि उनको लाइक फेम की थोड़ी देखो जो है मैं क्लियर बोलता हूँ अब वो मेरे पे कोई एक्शन ले ले या मेरे पे कुछ भी कर ले मगर भाई फर्क नहीं पड़ता हाँ मैंने अपनी खुद की लाइक पर्सनल मैं अपना सजेशन देखा है मैंने पर्सनल मैंने एक चीज फील की है कि उनको थोड़ी फेम की पड़ी हुई है वो थोड़ा लाइक उनको मीडिया से बात करनी है उनको इन सब चीजों के लिए लेकर लाइक वो काफी ऊपर तक जाना चाहती है मुझे पता है इन सब चीजों जी, जबकि उनका जो बेस देखो मैंने उनको यही बोला है कि आप आज अराफिया के बारे में बात कर रहे हो इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हो जो कि सब नॉनसेंस है आपको इन सब चीजों के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है आप कोई होते नहीं हो इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए बिकॉज ये सब वीडियो ये सब जो चक्कर शुरू हुआ है ये अरिशफा की वजह से शुरू हुआ है अगर वो ये सब वीडियो नहीं डालती तो ये सब नहीं डालती हाँ तो आज जब मैंने उसकी मम्मी को भाई मैंने ना उसकी अम्मी को ये तक बोला कि चलो मैं भी ये भी बात समझ लेता हूँ कि अरिशफा 15 साल की बच्ची है वो उसको समझ नहीं है चलो मैं ये तक कह देता हूँ कि उसने अपना इमोशन पोर आउट करने के लिए दुनिया देखी नहीं तो शी चूज द वे टू शो हर इमोशंस बट दैट वाज रॉन्ग मैंने उनको ये तक बोला कि वो गलत था ठीक है तुम कर रहे हो ठीक है मैं अरिशफा की भी गलती नहीं मानता हूँ करके नहीं सर सच बात बता रहा हूँ मैं आज जितने लोग ये बात सुन रहे हैं ना जितने लोग भी ये बात सुन रहे हैं ठीक है मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ अजीम मैं लोगों से मतलब तुमको तो बोल ही रहा हूँ साथ ही साथ मैं इन सब लोगों को बोल रहा हूँ जो भी लोग ये लाइव देख रहे हैं जो भी लोग बात में देखने वाले हैं कि जिन लोगों ने भी अरिशफा ने क्लियरली अरिशफा की मॉम ने एक चीज बोली कि अरिशफा बहुत फेमस थी उसने सब चीजें दानिश की लाइक बोलते हैं ना फेम के लिए इन सब चीजों के लिए नहीं किया है ठीक है तो बहुत अच्छी बात है मैं भी जानता हूँ कि लोग अरिशफा को तो जानते भी नहीं थे मैं तो खुद पर्सनली नहीं जानता था अरिशफा कौन है क्या है उसकी मम्मी तो बोल रही थी कि लाइक दानिश तो आज 3 साल से इंडस्ट्री में है अरिशफा तो लाइक 9 साल से इंडस्ट्री में है मगर मैं उनसे यही बोलना चाहूंगा कि उनको बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है दानिश 3 साल से इंडस्ट्री में नहीं है दानिश बस 2 महीनों से इंडस्ट्री में है बिकॉज यूट्यूब कोई इंडस्ट्री नहीं है यूट्यूब बॉलीवुड या हमारे इंडिया का कोई पार्ट नहीं है वो एक अलग ही लाइक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब दानिश जो था सेल्फ था उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े भीख नहीं मांगी लोगों से ये नहीं बोला कि आप मुझे लाइक हाँ ठीक है वो नॉर्मली लोग बोलते हैं मुझे सब्सक्राइब बेशक भाई बेशक दानिश अपना दानिश ने कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगी या उसने किसी को ये लाइक उसने किसी को ये नहीं बोला कि प्लीज ये किसी की मौत का फायदा नहीं उठाया फेमस होने के लिए ठीक है जो आज लोग कर रहे हैं तो मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन्होंने भी 20 तारीख के बाद से लेकर जिन्होंने भी अरिशफा का प्रोफाइल देखा है उस पर मैं यही बोलूंगा अराउंड 360K उसके फॉलोअर्स है जो आज 600 प्लस हो गए हैं तो आज उसको तो फेम की जरूरत ही नहीं है एंड वो फेम चाहती भी नहीं है तो मैं तो यही बोलूंगा जिन लोगों ने भी अरिशफा को सब्सक्राइब किया है आफ्टर 20th ऑफ डिसम्बर
वो लोग अरिश्फा को अनसब्सक्राइब कर दो, ठीक है, उसको फॉलो भी मत करो एंड उसके प्रोफाइल पे कोई कमेंट भी मत करो भाई। मेरा भी कहने का मतलब ये है कि जी जो अगर चलो लोग ऐसा भी बोल रहे, चलो एक चीज लोगों को भी समझना चाहिए कि यार वो बच्ची है, चलो जो भी है वो फेम यूज करे कुछ भी, वो 15 साल की बच्ची है, उसका वो भी नाम नहीं खराब करो ना। अपन मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ अगर आज उसके उसको लोग कमेंट कर रहे हैं ना, वो लोग इसके लिए कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों ने उसको फॉलो किया है एंड अब लोगों ने उसको फॉलो किया तो लोग उसको कमेंट कर पा रहे, तो मैं तो यही बोलूंगा लोगों को प्लीज उसको अनफॉलो कर दो। उसकी मम्मी जो कहना चाह रहे हैं ना भाई, माशाल्लाह उसको खुद का इतना, वो खुद इतनी टैलेंटेड है, वो खुद इतनी टैलेंटेड है, वो खुद 9 साल से इंडस्ट्री में है, तो उसको काफी लोग माशाल्लाह जानते भी है, उसने काफी लोगों के साथ फोटोज खींच कर डाला है एंड ठीक है, हम लोग वैसे कोई नेम फेम की पड़ी नहीं है, तो मैं तो आप लोगों को यही बोलूंगा जितने भी लोग ये चीज देख रहे हैं वो लोग प्लीज आज अभी इसी वक्त अरिश्फा को अनसब्सक्राइब कर दो, ठीक है जी। मैं ये क्लियरली ये बोलूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई उसको जबरदस्ती सब्सक्राइब करे एंड देन उसकी फैमिली ये सोचे कि आज अरिश्फा को जो फेम मिला है, नेम मिला है, वो दानिश की वजह से मिला है। दानिश उसका सिर्फ और सिर्फ दोस्त था जिसने कभी उससे मुलाकात भी नहीं की थी, वो उसको जानता भी नहीं था। प्लीज आप लोग गलत बातें फैलाना कि लाइक अरिश्फा दानिश की गर्लफ्रेंड एंड ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप लोग प्लीज ये सब चीजें, ये बकवास को भूल जाओ, ये सब चीजें लाइक लिटरली ये सब चीजें बकवास है, ये सब चीजें कुछ भी ऐसी नहीं है एंड बाकी तो मैं और डिप में नहीं जाना चाहूंगा इन सब चीज के लिए। एंड प्लीज मैं अब ये पक्का लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने अरिश्फा को अनसब्सक्राइब नहीं किया ना, तो मैं फॉर श्योर दानिश का चैनल डिलीट कर दूंगा, दैट्स इट फॉर श्योर, मैं ये कर दूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदा दानिश, देखो आज अगर कोई भी अरिश्फा को बोल रहा है ना कि दानिश की वजह से कुछ भी बोल रहा है, तो आप लोग ये चीज हमेशा याद रखना, दानिश को तकलीफ हो रही है एंड दानिश को चीजों के गुनाह मिल रहे हैं, यही बात है, ठीक है, दानिश को भी इन चीजों के गुनाह मिल रही है, तो आप लोग प्लीज उसको ये सब चीजें बोलना बंद करो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने भी दानिश की वजह से अरिश्फा को सब्सक्राइब किया था उसको अनसब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ये मैं आखिरी बार बोलूंगा, और अगर ये चीज नहीं हुई तो फॉर श्योर मैं दानिश का चैनल मैं खुद डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना। दानिश तो रहा नहीं, दानिश का चैनल भी नहीं रहेगा, वो बातें भी नहीं रहेगी, वो गुनाह में भी नहीं जाएगा, ठीक है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने दिन से मैं उसका चैनल रखकर जो चला रहा हूँ, मैं चाहता था कि लोगों में उसकी अवेयरनेस रहे, लोगों की लाइक मैं लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता कि अब दानिश को भी गुनाह मिले उन सब चीजों का, तो प्लीज या तो आप अरिश्फा को अनफॉलो कर दो, अरिश्फा को भूल जाओ, ठीक है, उसका जो करियर आप भाई भाई मैं कुछ बोलना चाहता हूँ जो है भाई, मैंने जो उसकी मम्मी ने जो बोले कि मैंने उसका ब्रेन वॉश किया है, और मैं आपको हकीकत बता तो मैंने उसको ऐसा लग रहा है ना ब्रेन वॉश किया है। मैंने अरिश्फा को प्यार मोहब्बत से एक ही चीज बोला था कि बेटा तुम 15 साल की हो, तुमने आज तक दोस्त बनाया करके, मैंने ये बात पूछी थी उनसे, तो उसने बोली थी मैंने आज तक जिंदगी में बनाया नहीं है। अच्छा ये चीज आप नासिर आंटी से बात कर लीजिए, अपना बात। हाँ मैं सबको बोलना चाहती हूँ, मैं अरिश्फा की मम्मी बात कर रही हूँ, मैं पहली बार लाइव आई हूँ, और मैं एक बात ये क्लियर करना चाहती हूँ कि अरिश्फा ने अरिश्फा को फोन किया था ना कि कुछ ये बोलने के लिए कि मेरा नाम सामने मत लाना, बल्कि ये बोलने के लिए किया था कि आपका नाम खराब हो रहा है, वीडियो डिलीट कर दो। उसके दो दिन बाद अरिश्फा ने अरिश्फा से बहुत सारी बातें की, और अरिश्फा को ये बोला आप मेरी अप्पी हो, अरिश्फा ने भी बोला, तो उसके बाद उसकी मम्मी का अचानक से फोन आता है कि आप है ना आप उसकी गर्लफ्रेंड थी, आप एक्सेप्ट कर लो। अरिश्फा उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, और उसकी मम्मी ने एक बात अभी लाइव पे बोला है कि अरिश्फा को वो शॉपिंग करा था 3 साल से, अरिश्फा उसकी 2 साल से फ्रेंड थी ना कि 3 साल से, और दानिश नहीं आंटी मैं तो मैं ये चीज क्लियर बोलना चाहूंगा, दानिश का आप लोगों के साथ क्या भी रिलेशन होने दो, कोई भी रिलेशन होने दो, मगर मैं इतना पर्सनल है ना, हमने अरिश्फा को बोला था वीडियो डालने, मैं और मेरे घर वाले इतना जानते हैं कि दानिश आप लोगों के साथ था या आप लोग जो भी हम लोग घर पे आते थे तो वो सब एक हैप्पी नोट पे चल रहा था, ठीक है। मैं बोलूंगा कि हाँ राइट, मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि उसकी माँ को या किसी को भी ये हक नहीं है कि वो हमारी फैमिली के बारे में बात करे, ठीक है। नहीं वो जबरदस्ती का बुला रहे कि आप फ्रेंडशिप है, आप एक्सेप्ट नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ वो थोड़ा फेम में आने के लिए ये सब कर रहे हैं, वो मुझे बार बार मैं देख रहा हूँ उनको फेम थोड़ा फेम चाहिए एंड ऑल, इसके लिए मैंने आज लोगों को रिक्वेस्ट की है कि जो भी लोग दानिश की वजह से अरिश्फा को फॉलो कर रहे हैं वो उसे अनफॉलो कर दो, ठीक है, बिकॉज ये जो आप लोग कर रहे हो ना उसको फॉलो करके बाद में उसी को बुरा बोल रहे हो, उससे आप लोग ये चीज याद रखो, सिर्फ आप लोग अरिश्फा को बुरा नहीं बोल रहे हो, या वो भी आप लोग गलत कर रहे हो अगर अरिश्फा को बुरा बोल रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल, मगर अगर आप वो सब चीजें कर रहे हो तो दानिश को भी कहीं ना कहीं उन सब चीजों की गुनाह मिल रही है, ठीक है।
आंटी आप वो मैं आपको यही बोलूंगा, देखो कुछ लोगों को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अभी फर्स्ट डे से मैं बिगाड़े ना, जानते पर्सनल, वो तो मैं भी समझता हूँ आंटी, हम लोगों ने ना उन लोगों को भी कुछ देखा है। अभी उसने एक वीडियो में क्लियरली बोला है कि दानिश वॉज माई कजिन, तो मैं एक्चुअली वो क्वेश्चन तो उन लोगों से पूछना भूल गया कि दानिश आपका कजिन कैसे हुआ, ना हम आपको जानते हैं, ना हम आपको पहचानते हैं, ना हमने आपको कभी देखा है, क्या किया है। अरे दानिश दानिश अराफी के ऊपर पैसे उड़ाता था ऐसे जो बोल रही है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ नहीं, वो हमको भी पता है, ठीक है। एंड अगर ठीक है उन्होंने कहीं घूमा फिरा खा पी लिया, गेम जोन में चले गए, मस्ती मजाक कर ली, उसमें अगर दानिश ने, अगर दानिश के पैसे गए या अराफी के पैसे गए या किसी के भी पैसे गए, वो उनका लुकआउट है यार, आप क्यों बोल रहे हो उन सब चीजों। लेकिन आपको कोई हकीकत नहीं है, लेकिन अगर किसी के जाने के बाद तुम इतनी वो सब बातें करके, इतना नाम यूज करके उसको तकलीफ नहीं, 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 तो मैं तो आज बोल रहा हूं, मुझे, मुझे, मुझे चीज बोलते हुए भी लाइक मुझे तकलीफ हो रही है, मगर मुझे ये चीज बोलनी पड़ रही है इतनी लंबी कि आज लोग की जरूरत है ही नहीं भाई, भी यूज कर रहे हैं आज लोग एक मुर्दे को भी यूज कर रहे हैं अपनी कमाई का जरिया बनाने के लिए, अपने फेम का जरिया बनाने के लिए, समझ रहे हो, ठीक है जी भाई। मैं सोच रहा हूँ कि लोग इतने गिर गए हैं कि लोग बोलते हैं मुर्दे को भी नहीं छोड़ रहे, कि मुर्दे से भी कम नहीं। नहीं भाई ये मुर्दा ये वर्ड नहीं यूज करना, जो भी इन लोग की गलत फहमी है, मैं इनको ये भी बोल रहा हूँ कि कब से गुफरान भाई ये वक्त नहीं है जो गुफरान भाई तुम्हारे से बात कर सके। उसकी अम्मी ने मुझे ये बोला था कि आप एक बार गुफरान को बोलो वीडियो डाल देना कि अरिशफा उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने मेरे एंड से, देखो अजीम, मेरे एंड से जितना हो सकता था ना मैंने सब कुछ किया है, मैंने क्लियरली जी मैंने उनको ये बोला, मैंने उनको ये तक बोला था कि भाई, मैंने उनको ये तक बोला था कि गुफरान भाई स्टेट में है नहीं यार, मैंने उनको ये तक बोला था कि गुफरान भाई अभी स्टेट में है नहीं, कि उनकी क्या अभी मतलब अभी उनके घर में हुआ इंतकाल हुआ है, उनको तकलीफ नहीं देनी, आप इतनी लंबी बात खींच के उनको और कितनी तकलीफ भाई। हम तो तकलीफ तो भी, मैं तो बताऊँ, हम लोग तो गम भी नहीं बना पा रहे, सच बता अल्लाह की कसम हम लोग गम भी नहीं बना पा रहे। सुबह उठते हैं ना तो पहले टेंशन रहता है कि पता नहीं आज कुछ क्या नई चीज आने वाली है, मतलब दानिश को छोड़, दानिश तो हमारे दिमाग में तो आने से पहले तो ये चीज आती है कि आज सुबह क्या आने वाला है। गुफरान भाई हम लोग ने कितना किया, उसकी मम्मी को ये तक बोला था कि मैं आ रहे, उसको उनको तकलीफ, उसकी मॉम क्या बोलते कि अरे गुफरान तो जब ये आ रहा था, जब अपना न्यूज व्यूज में आ रहा था, जब कुछ नहीं, मैं उनको बोला कि कुछ कुछ बातें बहुत जरूरी थी जब उनको आना पड़ रहा था, उनको एंजॉयमेंट या उनको कोई फेम, मुझे भी क्लियर है, मुझे भी पता है क्या रिलेशन था क्या नहीं था, वो तो मुझे पता है इन लोगों की जो गलती है। और रही बात भाई अरिशफा की, मैंने कितने लोग को बोला भी अपने साइड से, मुझे पता है बोला भी हूँ की अरिशफा का नाम खराब करो, मैं उनको छोटी छोटी चीजों में पकड़ने लगा ना कि आंटी आपने ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप खुद सामने नहीं आ रहे हो कैमरा के और आप बोल रहे हो कि दूसरे की लड़की को मैं सामने लाऊंगी, तो ये हाँ। किस तरीके का लाइक आप अगर बोल रहे हो मैं इस्लाम फॉलो करती हूँ जी भाई, लेकिन अरिशफा को सबसे पहले चलो मैं तो अरिशफा को वीडियो डालने की जरूरत नहीं थी, और डालने के बाद हमारे पे पूरा आ रहा है, आप क्या मतलब एक्सपोज करना चाह रहे हो, क्या है क्या? नहीं नहीं वो कुछ नहीं है, वो एक्सपोज करना कुछ नहीं है, पब्लिसिटी स्टंट है, ठीक है, ये सब चीप पब्लिसिटी स्टंट है, ठीक है। अभी इन लोगों को लाइक मुझे लगता है कहीं से इन लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसके लिए ये लोग उठा उठा के कहीं ना कहीं से, सीरियसली भाई उसकी ना मेरे मतलब डैडी ने बात की अभी तक की धमकी की बात, हम लोग ने धमकी तक नहीं की है भाई, हमने तो उसकी बहन को, मैं अपनी बहन नहीं, देखो अजीम मैं भी यही बोलूंगा कि तुमको भी ये चीज अच्छे से पता है, हम लोग घर वालों ने भी आप लोगों को एज अ फैमिली समझा है, आप लोगों ने भी एज अ फैमिली समझा जी जी भाई, आप तो हमेशा मेरे बड़े भाई वैसा कुछ, हां तो मैं यही चीज बोलूंगा कि इन सब चीजों को आप लोग अभी इतना सीरियसली मत लो, ठीक है। लोग अच्छे से समझते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, 24 दिन हो गया है वो लोग इतना, देखो मैं एक चीज आज तक नहीं समझ पाया, इन लोगों का अगर इतना गम था, ये लोगों के इतने आंसू आ रहे थे, इन लोगों ने इतना रोया है दानिश के लिए, तो आज भी आज तक 24 दिन हो गए, आज तक एक भी दिन मेरे घर पर तो मिलने नहीं आए मेरी मम्मी से। जी जी बेशक सही है, आज तक मेरे घर पे आई नहीं है लोग, किधर गया तुम्हारी मोहब्बत उस टाइम पे, जिस टाइम पे तू जिसकी मोहब्बत मेरे घर पे आई थी, तो उस टाइम पे वही लोग नहीं है। मैं ऐसे काफी लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने दानिश से दोस्ती का वादा किया है, बड़ी बड़ी दोस्ती 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 बोली है, ठीक है, लेकिन आए नहीं, वो हमारे घर पे आए नहीं है, ठीक है। मैं 20 डेज था इंडिया में, सच बता रहा हूँ अल्लाह की कसम, मैं उन बंदों का नाम लेना चाहूंगा, एक बंदा है तेजस करके, ठीक है, तेजस करके एक बंदा है, जो बंदा दानिश का कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, वो एक बस बोलता ना एक फ्रेंड फैन है दानिश का, जो फैमरो आर्मी से जुड़ा हुआ है, जी जी, वो बंदे जी को रियली मैं सल्यूट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उस बंदे ने बहुत मेहनत की है रियली दानिश का अकाउंट वापस लाने में, उस बंदे ने क्योंकि चैनल, क्योंकि जो दानिश का एक चैनल है, उन लोगों ने काफी मेहनत की हुई है, वो बंदे ने लाइक कहीं कहीं से कांटेक्ट निकाल के सीएम ऑफिस लेकर गया, मंत्रालय लेकर गया, तो मैं यही चीज बोलूंगा कि आज के तारीख में जब दानिश के जाने के बाद मुझे अगर किसी ने सपोर्ट किया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फैमरो आर्मी ने,
सपोर्ट किया है, मतलब उसके चाहने वालों ने सपोर्ट किया है. जो लोग दानिश का अपना दोस्त भाई यार जो बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, वो आज तक हमारे घर पे भी नहीं आए हमारे मॉम डैड से मिलने के लिए, ये पूछने के लिए भी कि आप लोग कैसे हो. मिलने की बात तो बहुत दूर की बात है, एक फोन तक के नहीं किया है लोगों ने, ठीक है. तो बड़ी बड़ी बातें करना और दानिश के साथ में वीडियो आना, वो सब उनके लिए बस एक नेम एंड फेम था और कुछ नहीं था. एंड मैं यही बोलूंगा कि आप लोग प्लीज ये सब चीजों को लेना छोड़ दो. आज के बाद अगर आपको अरफिया की मम्मी का कॉल आता है, सॉरी अरिश्फा की मम्मी का कॉल आता है, किसी का भी कॉल आता है, आप प्लीज एक एनसी डाल के रख दो उनके नाम की, कि ये लोग हम लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं. लोग समझते हैं सब कुछ ऑलरेडी उन्होंने ही डाला हुआ है, सब चीजें उसी पे से है भाई. आपको तो पता है अभी अभी हैशटैग मुंबई, सुनिए सुनिए, हैशटैग मुंबई न्यूज पे उसकी मम्मी ने पूरा अपना वीडियो चैट डाल दिया हमारा. मतलब उसकी माँ इतना नाम बर्बाद करने पे टूली है, मेरे को समझ रहा नहीं क्यों. अरे बाबा मैं तुम उसकी बात कर रहे हो, इन लोगों ने दानिश की जो वीडियो चैट थी ना, दानिश की वीडियो चैट वो तक की सेव करके रखी हुई है. मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों ने तो कुछ प्लान नहीं किया दानिश के लिए, क्योंकि लाइक दानिश का जाना अचानक से उसका सामने आना रोते हुए, बाद में इन लोगों का सब चीज लाइक जो वन ऑन वन चल रहा है ना, मैं तो कहीं ना कहीं यही समझता हूँ कि एक्सीडेंट है. मगर आप मुझे कल से पता नहीं ऐसा क्यों फील होने लग रहा है कि लाइक कुछ ना कुछ गड़बड़ है. जो चीजें इतना 24 डेज में खत्म नहीं हो रही है, लोग आज भी नेम एंड फेम के लिए, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने नेम एंड फेम कमाने के लिए तो दानिश के साथ ऐसा कुछ नहीं किया. क्योंकि लाइक क्या बोलूं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इतना क्या चाहते हैं, क्या उसका नाम खराब करना चाहते हैं, क्यों खराब करना चाहते हैं, क्यों यार भाई इतना क्यों, लाइक मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे लोगों को समझाऊं भाई. कोई पीछे नहीं पड़े, सिर्फ ये दो माँ बेटी नहीं, जो ये दो माँ बेटी ने किया है ना, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ. अगर आज वो मेरे पे केस भी करती है ना किसी चीज का, तो मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि 24 डेज से वो मेरे भाई का नाम ले रही है हर जगह पे. तो अगर आप नाम ले रहे हो ना किसी जगह पे, तो वो गलत नहीं है, ठीक है. बिकॉज उसने क्या किया है मालूम है, दानिश का जाना और अचानक से इसका वीडियो आना. इसके बाद आप मुझे बताओ ना, आज तक मैंने कभी किसी को नहीं देखा तुम किसी का वीडियो चैट सेव करते हो यार. मुझे बताओ बताओ जो किसी का वीडियो चैट. अरे भाई अगर इन लोगों ने इतनी दिन की बात कर रहे हो मेरे को, अगर किसी के घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम उनका कितना फेड अप करोगे, कितना. आप वो तो छोड़ दो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसने क्या बोला, लाइक हम लोग की कजिन है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बोला हम लोग की कजिन है, किसी एंगल से हमारी कजिन है ही नहीं, ठीक है, किसी एंगल से हमारी कजिन नहीं है. सेकेंड चीज ये अगर बोल रही है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत गम हुआ, ठीक है, तुम्हें गम हुआ, तुमने रो दिया, ठीक है. अरे एटलीस्ट कर्टेसी रखो, तुम मेरे घर पे आके एक बार मेरी मॉम से मिल लेता ना, तो मैं ये बोलता हूँ ना कि मैं सामने से आकर बोलता कि यार नहीं यार, तुम लोग अरिश्फा को क्या बोल रहे हो यार, वो सच में लाइक वो उस टाइम पे मौजूद नहीं थी. मैं जितना हो सके अभी तक पॉजिटिव ही बोल रहा हूँ सबके बारे में, मगर ये लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं उनके बारे में नेगेटिव बोलूं, ठीक है. एंड अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि सीरियसली कुछ लोग मुझे बोल रहे थे बार बार कि आप केस रीओपन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, मगर ये जो चीजें चल रही है ना मेरे आसपास, लाइक जो चीजें हो रही है, जैसे कि इन लोगों ने तुरंत दानिश की लाइक जो दानिश की नेगेटिविटी ये लोग शो करने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को कैसे मालूम पड़ा. मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है, इन लोगों को बताया दानिश से, दानिश तो कभी इन लोगों से मिला नहीं, तो इन लोगों किसने बताया कि अराफिया दानिश के घर रूम में जाती थी. बस बेसिकली किसी ना किसी का जरिया के थ्रू इनको नाम बर्बाद करना, ताकि ये इनको पब्लिसिटी मिले. नहीं मुझे अभी ऐसा लग रहा है, मुझे अभी सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद कहीं इन लोगों ने तो कुछ प्लान नहीं किया दानिश के लिए पब्लिसिटी के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए. मुझे ऐसे फील हो रहा है, सच बता रहा हूँ, ये मेरी फीलिंग है. मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मगर मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा फील हो रहा है आपसे. मैं इतने दिन से सोच रहा था कि मेरे भाई का कार एक्सीडेंट हो गया एंड ऑल, मगर जो मैं देख रहा हूँ ना कि हर कोई शांत बैठा हुआ है. मौलाना ने दो दिन बोल दिया, चार दिन बोल दिया, चुप बैठ गए, सब कुछ क्लियर. इनकी तो अब भाई सुनिए तो सही, इसकी मम्मी बोलते कि मैं वो मौलाना से भी जाके मिलूंगी, क्या है क्या नहीं करके. मैं बोला जाइए प्लीज जाइए, आपको ऐसा है, आपको जो गुफरान पहने उनका पूरा. अरे भाई मैं तो तुमको एक ही बात बोलूंगा, मौलानाओं के पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है कि किसी के साथ बैठ के, जो आदमी एक महीना भर पहले गुजर गया उसके बारे में आज बात करते बैठे, और वो मौलाना किस मुंह से बात करेंगे. वो उन्होंने खुद इतनी गंदी गंदी बातें की हुई है दानिश के बारे में, वो किस मुंह से उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है. हाँ, वो अपने वॉइस रिकॉर्डिंग की है यार, उन्होंने उनको बोला कि आपने वो देखा, हम लोग एक मुस्लिम फैमिली में बोलते कि नहीं मैंने नहीं देखा, मैंने बोला जो आपको अच्छी चीजें तो दानिश की वो नहीं दिख रही आपको. अजी मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कैसा है पता है क्या, हम लोग एक मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुए हैं, तो हम लोग उस कल्चर उस रिलीजन को फॉलो करते हैं, ठीक है. मगर हम लोग हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, हर एक रिलीजन आपको एक ही चीज सिखाता है कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट करो,
ठीक है, एंड पीसफुली रहो। हर एक रिलीजन आपको यही चीज सिखाता है, एंड हम उसी चीज को फॉलो करते हैं, एंड हम उसी चीज को मानते हैं। ठीक है, दूसरों की माँ बहनों की इज्जत उछालना, उनको ये लाइक लाकर उनकी फोटोज दिखाना, उनके वीडियो चैट दिखाना, अरे मैंने अगर गलती की है ना, मैंने अगर कोई गलती की है तो वो मेरी गलती है, मैं उसे भुगतूंगा। मेरे भाई ने कभी किसी का लाइक बुरा नहीं किया, कभी किसी की मौत का तमाशा नहीं बनाया कि आज चलो ये बंदी मर गई है, मैं इसके बारे में वीडियो बना तो डालता हूँ। दानिश ने जो बनाई थी ना अमरीन की वीडियो, वो सिर्फ और सिर्फ दानिश ने उसकी वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि वो अपना लाइक जो दानिश ने उसके साथ गलत किया था ना, वो एक्सेप्ट करना चाहता था लोगों के सामने कि हाँ वो गलत था। मैंने इस बंदी को अनफॉलो किया, मगर ये बंदी को मैं पर्सनली जानता था जी। तो दानिश ने अमरीन को कोई नेम एंड फेम के लिए उसका वीडियो नहीं डाला था, मगर लोग ये, और मुझे पता है अरिश्फा ने वो चीज फॉलो की है, उसने उस चीज को कॉपी किया, वो ही ट्रेंड की है। मैं उसको ये बोलना चाहूंगा, मगर आज पता नहीं मुझे, आज सीरियसली ये सब बातें होने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसे कहीं ना कहीं से वाइब्स आ रहे हैं कि पता नहीं लाइक मैं बोल नहीं सकता, वो भी एक अलग चीज बन जाएगी, मगर मुझे ऐसा पता नहीं। नहीं भाई आप बोलिए भी नहीं, तो इसका भी तमाशा बना देंगे उन लोग, प्लीज भाई। हां नहीं, मगर मुझे जो ये जो सर्कल चल रहा है ना पिछले 24 डेज से, रात सुबह सुबह वीडियो आ जाना, देन दो दिन के बाद कुछ और टॉपिक आना, देन वही बंदी दो दिन के बाद कुछ और टॉपिक पे आना, फिर हाँ, कुछ और टॉपिक, कभी भाई बोल रही है, कभी बेस्ट फ्रेंड बोल रही है, कभी कजिन बोल रही है, मतलब बोलना क्या चाह रहे हो। तो मुझे भी अभी आजकल लाइक मुझे फील हो रहा है ऐसा कुछ, तो मुझे लाइक फील हो रहा है कि कुछ तो लाइक गड़बड़ है, पता नहीं। मगर मैं जो भी है, मैं अभी जब आऊंगा इंडिया तो फॉर श्योर उस पर वर्कआउट करेंगे, मैं ट्राई करूंगा एक बार री इन्वेस्टिगेशन कराने की, एंड देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, बिकॉज मुझे भी अभी सही नहीं लग रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। जी जी, लेकिन भाई आप बेफिक्र, मैं तो सबसे ये कहना यार, मैं अगर वो रही, अगर अरिश्फा की मम्मी भी अम्मी भी रहेंगे या फिर अरिश्फा या कोई भी रहे, मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, प्लीज आप किसी का नाम ना खराब करें यार, किसी का भी नहीं, किसी की बेटी है, घर की बच्ची है, किसी का नाम खराब करके मतलब क्या है। और दानिश की बार बार बात करके आप किस, अब दानिश की बार बार बात करके आप उसको तकलीफ दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। और रही बात गुफरान भाई तुम्हारी, और इन लोग इतने परेशान कर रहे यार, उनको भी काम है, उनको भी वहां पर बहुत प्रेशर है, उनके भी बहुत गोत्रू करे, उनको भी अफसोस है यार, प्लीज उनको तकलीफ ना दो, वो बहुत अभी उनके पर पूरी जिम्मेदारी है आगे की, प्लीज उनको एक फैम्ब्रो आर्मी की बहुत जरूरत है। ये सब चीज में जो अरिश्फा की जो माँ कर रही है उसको और तकलीफ हो रही है। गुफरान भाई तुम कितना गोत्रू कर रहे हो, आई नो, मैंने उसकी मम्मी को लिटरली बोला कि वो काम करेंगे, उनके ऊपर कितना प्रेशर है, उनको गम भी है, वो आदमी गम भी नहीं बना सकता, ऐसी उसकी हालत है अभी। तो उसकी माँ बोल रही नहीं नहीं ऐसा है, मैं छोड़ो मेरे को बात भी नहीं करनी उस बारे में, क्योंकि हम उनको ही बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं भाई अजीम, अभी इसको बंद करेंगे, ठीक है, मैं बस एक क्लास बढ़ावा दे रहे हैं भाई उनको। हाँ नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, हम लोग भी बंद करेंगे, हम लोगों को भी जितना बोलना था हम लोगों ने बोल दिया। मैं अभी सबके सामने यही चीज बोलना चाहूंगा, जो भी अरिश्फा की मॉम बोल रही है, आप लोगों को जिसको बिलीव करना है आप जाओ बिलीव करो, ठीक है, हम लोगों को कोई पड़ी नहीं है किसी से, ना हम लोगों की किसी से नेम की पड़ी है, फेम की पड़ी है, ये सब चीजों की हम लोगों को पड़ी नहीं। नहीं नहीं, और रही बात, सेकंडली मैं चीज बोल रहा हूँ, जो लोग फैम्ब्रो आर्मी के साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज प्लीज एंड प्लीज, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, जो भी लोग फैम्ब्रो आर्मी के साथ जुड़े हुए हैं एंड जिन्होंने भी दानिश के डेथ के बाद अरिश्फा को फॉलो किया है, एंड जो भी उसको टेक्स्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग उसको अनफॉलो कर दो। एंड सेकेंडली, जिन्होंने भी फैम्ब्रो आर्मी से अरिश्फा को या उसकी मॉम को गलत बोला है, तो उन सबकी तरफ से मैं अरिश्फा की मॉम से एंड अरिश्फा से माफी मांगता हूँ, ठीक है, सॉरी, सॉरी, आप प्लीज आप इन सब चीजों को सीरियसली मत लो आंटी, एंड we are really sorry, मगर आप समझो मेरी सीरियसली लेवल अलग हो गया, मैं भी किसी ने बोल रहा हूं, really मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं, लाइक मैं भी थोड़ा बस बोलता हूं, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूं कभी-कभी, ठीक है, तो आप लोग प्लीज ऐसा कुछ मत करो, लाइक किसी को ब्लैकमेल मत करो यार, आप लोगों की इज्जत है, उनकी भी इज्जत है। आप सबसे नॉर्मल चीज यही समझ लो कि अगर अरिश्फा वीडियो नहीं डालती तो ये सब बवाल नहीं होता, इतनी सब बातें नहीं होती, एंड अगर दानिश ही यहां पे होता तो मेरी यहां पे जरूरत ही नहीं होती, वो तो खुद ही कर चुका होता सब कुछ, तो लाइक आप लोग प्लीज समझो। और अजीम ठीक है, अभी आप फोन रख दो, ठीक है, जी, मैं अभी जी भाई जजाक अल्लाह, और मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ, किसी भी चीज की टेंशन मत लो, अरिश्फा या अरिश्फा का प्लीज नाम नहीं खराब करो आगे, अपना आगे का जो भी फ्यूचर। जी जजाक अल्लाह भाई, जी जजाक अल्लाह, अब भी अपना फोन करता हूँ आपको, ठीक है, ये लाइव खत्म हो जाए ना, आपको फोन करता हूँ, बिकॉज़ एक्चुअली एक बंदी है, मुझे उसको लाइव पे लेना है, ओके ओके भाई चलेगा, जी जजाक अल्लाह, जो किया हुआ उसके लिए, ठीक है, दो मिनट, जी जी जजाक अल्लाह, हाँ भाई चलो अल्लाह। हाँ प्रीत, प्रीत तुम हो क्या, अगर हो तो लाइव आ जाओ,
हाँ प्रीत आप लाइव पे आओ ना प्लीज, ठीक है? प्लीज हेलो हेलो हाँ प्रीत मैं सुन सकता हूँ तुम्हें जी भैया बोलिए नहीं हाँ प्रीत बोलो आपको क्या बोलना था अब आप पहले आपका इंट्रोडक्शन दे दो क्या हो क्या नहीं लाइक बता दो लोगों को तो क्योंकि लोग फॉर श्योर जानना चाहेंगे इसके लिए आई थिंक देयर हैव सम नेटवर्क प्रॉब्लम हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है तुम्हारा जी एक बार दोबारा से भेजती हूँ भैया रिक्वेस्ट हाँ नो प्रॉब्लम दोबारा से भेजो गाइस आप लोगों को कुछ पूछना है किसी को कुछ पूछना है किसी के कोई सवाल है तो पूछ लो प्रीत कौन है वो खुद बता देगी अपना इंट्रोडक्शन कौन है ठीक है दानिश भाई हीरो है दानिश भाई हीरो थे है और रहेंगे इंशाल्लाह हाँ मैं भी सोच रहा हूँ कि केस रीओपन करवाऊंगा मुझे ऐसा फील हो रहा है पता नहीं लाइक मुझे भी चीजें जिस हिसाब से आ रही है ना सामने सामने एंड दानिश के जाने के बाद भी जो लाइक ब्लैकमेल्स हो रहे हैं लाइक मुझे भी हो रहे हैं देन अराफिया के को लेकर भी हो रहे हैं काफी चीजें लाइक जो ब्लैकमेलिंग हो रही है उसे भी तो पता नहीं मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा है कि क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ एक्चुअली लाइक मैं ये चीज शेयर नहीं करना चाहता था बट मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ एक चीज शो पे जाने से पहले दानिश ने मुझे एक बोला था कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है दानिश ने मुझे ये चीज कही थी कि मैं मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो मैंने वो चीज मजाक में ले ली कि लाइक मैंने सच में वो चीज मजाक में ले ली दानिश की कि मैंने बोला हाँ तुझे कौन ब्लैकमेल करेगा चल बस मैंने ऐसा बोलता ना हम लोग भाई बहन में किसी मजाक में ले लेते हैं तो मैंने मजाक में ले ली वो चीज को मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया तो उसके बाद फिर वो शो पे चला गया तो आपको तो पता ही है जब शो पे गया तो लाइक हम लोग भी थोड़ा सुकून में थे लाइक शो पे था तो हम लोग उसे शो पे देखते थे एवरी डे लाइक देखते थे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है एंड वो बहुत शाई बंदा था लाइक अपने लाइक बहुत शाई फील करता था तो शो पे भी वो इतना जल्दी खुला नहीं था लोगों के सामने उसको भी टाइम गया था कैमरा में लोगों के सामने आना लोगों को फेस करना क्योंकि उसके लिए वो सब चीज़ें नहीं थी तो मैं दानिश की काफी सारी चीजें मैं आप लोगों से एक वीडियो में शेयर नहीं कर सकता मैं पूरी लाइफ भी बयान करते रहूं तो शायद सारी चीजें शेयर नहीं हो पाएगी उसके बारे में मगर बस यही बोलना चाहूंगा कि लाइक कुछ था वो मुझे बोल रहा था ब्लैकमेलिंग एंड ऑल मगर मैंने सीरियसली नहीं लिया मगर अभी ये जो सब चीजें हो रही है उससे पता नहीं मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि लाइक मुझे भी एक बार री इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए क्योंकि काफी लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि आप री इन्वेस्टिगेशन करवाओ तो आप लोग थोड़ा टाइम दो मुझे मैं बस आऊंगा ठीक है मैं लाइक विद इन अ मंथ Within a month or max to max within 45 days, मैं वहाँ पे आऊँगा इंडिया वापस तो जो भी है लाइक किसने किया ब्लैकमेल वो तो दानिश ने मुझे बताया नहीं बस वो मुझे बोल रहा था कि मैं परेशान हूँ लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं ये वो बातें कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं मगर अभी भी ये जो चीज़ें चल रही है गर्लफ्रेंड का मैटर लेके ये सब मैटर लेके तो पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सब वही चीज़ें तो नहीं थी समीर को पकड़ाओ बात पूरी करता है बुरा समझा देखो भाई मैं आपको एक चीज बताऊंगा समीर के लिए लेकर आप लोग प्लीज एक चीज क्लियर हो जाओ समीर दानिश के साथ गाड़ी में था गाड़ी ऑलमोस्ट 100 टू 120 की स्पीड में थी कोई बंदा इतना बड़ा रिस्क अपनी लाइफ में नहीं लेगा कि ड्राइविंग स्टेयरिंग किसी के हाथ में देकर अपना खुद बाजू में बैठकर किसी का लाइक कुछ प्लान करेगा आप लोग ये चीज सोचो हाँ अगर मेरे हाथ में स्टेयरिंग है मेरे बाजू में बैठे हुए बंदे को मुझे अगर कोई तकलीफ पहुंचानी है तो मैं पहुंचा सकता हूँ
मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में स्टेयरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ब्रेक है, ना लाइक कुछ भी नहीं है, तो मैं उस बंदे को कैसे कुछ नुकसान पहुंचा सकता हूँ? आप ये सोचो. तो आप लोग समीर को जबरदस्ती मत खींचो इन सब मैटर्स में, ठीक है? इन चीजों को प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है भाई? समीर को कुछ क्यों कुछ नहीं हुआ ये तो अल्लाह बेहतर जाने. मैं कैसे बताऊं आप लोगों को, अल्लाह जाने, भगवान जाने, जीसस जाने, ठीक है? तो मैं इन सब चीजों के लिए आपको ये नहीं बोल सकता हूँ कि लाइक क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है समीर को लेकर. तो आप लोग प्लीज चीजों को समझो. अच्छा, मैं एक लास्ट चीज और बोलना चाहूंगा आप लोगों को समीर के बारे में. समीर दानिश के साथ टिकटॉक वीडियोस में आता था, यहाँ वहां आता था, वो लोग काफी अच्छे दोस्त है. समीर एंड दानिश काफी जगहों पर भी जाते थे, लाइक हॉन्टेड बिल्डिंग्स में, काफी हाई राइज बिल्डिंग्स में जाते थे. वो लोग फॉरेस्ट में जाते थे, जंगलों में जाते थे, लोनावला इधर उधर. वो लोग चाहते तो वहां पे भी कुछ कर सकते थे दानिश को, हम लोगों को तो डाउट भी नहीं होता. तो आप लोग सोचो कि वो बंदा ऐसा कुछ क्यों करेगा, एंड वो भी खुद गाड़ी में बैठकर, ठीक है? तो मैं आप लोगों से लास्ट बार बोल रहा हूँ, आप लोग प्लीज अगर रिस्पेक्ट करते हो दानिश की, तो सबसे पहले मैं ये नहीं बोलूंगा समीर को आप ये मत, मैं समीर को सपोर्ट कर रहा हूँ, मगर मैं प्रैक्टिकली सोच रहा हूँ कि समीर बाजू में बैठकर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? एंड कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता अपनी लाइफ में. तो ये सब चीजें प्लीज प्लीज क्या बोलूं यार, मुझे तो टेंशन आ गया तुम लोगों को देख देख. मैं तुम लोगों को जवाब दूं, मैं मेरा काम देखूं, दानिश का ड्रीम देखूं, आगे उसका ड्रीम कैसे लेके जाना है वो देखूं. बट सीरियसली गाइस, तुम लोगों ने जो सपोर्ट किया है ना, वो किसी ने नहीं किया. दानिश के बोलने के लिए तो काफी दोस्त है, ठीक है, जो उसके अच्छे टाइम्स में उसके साथ बैठते, खाते, वीडियोस बनाते, ये वो करते, फायदा उठाते. मगर जब दानिश का वक्त बुरा आया, जब उसकी फैमिली को लोगों की जरूरत थी, तब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने साथ दिया. मैं ये चीज क्लियरली बोल सकता हूँ, और किसी बंदे ने साथ नहीं दिया. एंड मैंने एक बंदे का नाम भी लिया, तेजस करके, मुझे एक्चुअली उसी का नाम याद था. एंड दानिश का एक वीडियो भी मैंने ड्रॉप किया था सोशल वर्क का, तो उसमें एक बंदा था बेचारा, वो बहुत दूर से आया था, सैंडी करके, सैंडी संदीप समथिंग उसका ऐसा कुछ नाम था. तो उस बंदे ने भी लाइक बहुत सपोर्ट किया. एंड बाकी काफी लोग हैं यार, औरंगाबाद से आए थे, उड़ीसा से आए थे, कश्मीर से आए थे, देहरादून से, कहाँ कहाँ से लोग आए, कश्मीर, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया. एंड रियली सल्यूट टू ऑल. एक हाथ से नहीं कर सकता तुम लोगों के लिए, दोनों हाथ से सल्यूट है भाई. ये चीज याद रखना, अरिशफा को अनफॉलो कर दो प्लीज. हाँ, एंड उसको अब कोई भी कुछ बुरा नहीं बोलना. मैं एक लास्ट बार वापस से बोल रहा हूँ कि वो दानिश की सिर्फ बहन जैसी थी, उसको अनफॉलो कर दो. एंड उसके पीछे कुछ बोलना, उसके पोस्ट पे कोई गंदा कमेंट करना या कोई बुरा कमेंट करना छोड़ दो आप लोग, ठीक है? फैम ब्रो फॉरएवर फॉरएवर. यस भाई, फॉरएवर एंड फॉरएवर. Love you all. अरे इसको रिपोर्ट ही मार दो, रिपोर्ट रिपोर्ट मत मारो यार, छोड़ो. दो मिनट रुको प्लीज, एक कॉल आ रही है. हाँ प्रीत, मैंने तुमको रिक्वेस्ट भेजी हुई है. हेलो. हाँ मैंने आपको एक रिक्वेस्ट भेजी है प्रीत, आप देखो, चेक कर लो प्लीज, ठीक है? अच्छा प्लीज, तुम्हारी रिक्वेस्ट नहीं आई है अभी भी, सेंड कर दो ना तुम्हारी रिक्वेस्ट प्लीज वापस से. हाँ प्रीत, अभी भी आप क्लियर नहीं आ रहे हो प्रीत. मैंने वो रूम की लाइट ऑफ कर, सो आई थिंक मुझे कैमरा ऑफ ही रखना चाहिए. अच्छा ठीक है, आप जो भी है प्रीत बोल दो. फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही ना, मतलब कि आप कूल डाउन हो जाओ. बहुत सारे फर्स्ट टू एंड अभी तक के सारे कमेंट्स मैंने रीड किए हैं,
बहुत गलत बोल रहे हैं लोग, ये नहीं कि दोनों साइड के फेवर्स में, और मोस्टली तो अभी यही बोल रहे हैं कि आपने बोला जैसे कि रिश्ता को अनफॉलो कर दो। हाँ वो मैंने इसके लिए बोल दिया लोगों को अनफॉलो कर दो, क्योंकि वो उसकी माँ तो क्लियरली बोल रही है ना कि आरिश्फा ऑलरेडी फेमस थी एंड ऑल, उसको दानिश की जरूरत नहीं थी एंड दानिश के नाम पे उसको कोई फेम नहीं चाहिए, तो इट्स ओके गुड ना। क्योंकि देखो 20 तारीख से पहले मैंने आरिश्फा का प्रोफाइल, मुझे लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, सम 360K या 340K उसके सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है, एंड दानिश की डेथ के बाद जब वो वीडियो वायरल हुआ है तो उसके सब्सक्राइबर 650+ के समथिंग कुछ हो गए। तो मेरा लोगों को बोलने का मतलब यही है, उसको वो ये नहीं बोल रही है कहीं पे कि सब्सक्राइब मत करो, कहीं पे उसने ये नहीं बोला कि सब्सक्राइब मत करो, मगर वो ये बोल रही है कि दानिश ऐसा था वैसा था ये था वो था, लाइक दानिश के बारे में जो आज वो बुराई कर रही है ना उसके पीठ पीछे, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है, कि वो साथ में मजे करता था एंड ऑल, जो भी दानिश के बारे में मेरे भाई के बारे में जो भी बोल रही है ना वो पक्का गलत बोल रही है। एंड प्रीत लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा लाउडली बोलो, ठीक है, थोड़ा जोर से बोलो, क्योंकि लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रीत को आप आपके बारे में बताओ प्रीत पहले लोग जानने के लिए, लाइक आप कौन हो, तो नहीं नहीं तो लोग वो भी कुछ गलत समझेंगे, तो आप प्लीज वो बता दो आप कौन हो। नहीं, आई एम जस्ट अ फैन और कुछ नहीं, मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि आई हैव सम स्क्रीनशॉट्स, जो बहुत ही बुरा बोल रहे हैं बीच में लोग, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, दानिश को भी बीच में बोल रहे हैं, और उनके जो भाई आए थे अभी लाइव पे उन्होंने भी, उनको भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, दैट वॉज रॉन्ग। बट हम यही बोल सकते हैं कि जो भी है इन सबको बोलना चाहिए तो सोच समझ करी। आई मीन मैं यही बोलना चाहूंगी कि हम सभी को पता है, हमारे पास भी प्रूफ्स हैं कि वो गलत है, जस्ट फॉर फेम, वो सिर्फ फेम में आने के लिए कर रहे थे और कुछ नहीं, आपको पता है भाई जो भी है सारा मैंने बताया था आपको, एंड वी हैव सम प्रूफ। गाइस मैं आपको बता दूं, मैं आरिश्फा की मॉम को जरा भी एंटरटेन नहीं करने वाला था, मगर ये प्रीत जो बंदी है शी इज इंडियन बास्केटबॉल कैप्टन, ओके, सो प्रीत ने मुझे कांटेक्ट किया एंड शी हेल्प्ड मी आउट, शी वो मैं कभी प्रीत से मिला नहीं हूँ, इवन दानिश कभी उससे मिला नहीं है, ठीक है, शी इज वन ऑफ शी इज द पार्ट ऑफ फैम्ब्रो आर्मी, ओके, एंड देन प्रीत ने एक्चुअली मुझे कांटेक्ट किया कि भाई ये सब क्या हो रहा है, लोग दानिश के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं एंड ऑल, तो प्रीत ने देन आरिश्फा की मॉम से आज मॉर्निंग में बात की एंड देन उसने क्लियर किया कि आंटी आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उसकी मॉम ने उस प्रीत से भी यही कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दूँ, ये दूँ वो दूँ एंड ऑल, एंड प्रीत से भी उन्होंने काफी सारी बातें की है, बहुत गलत बातें भी की है जो मैं लोगों के सामने बोलना नहीं चाहता, मेरे भाई के बारे में ही की है, काफी गलत बातें की है उन्होंने जो मैं लोगों के सामने सच में नहीं बताना चाहता किसी के भी सामने, उन्होंने जो बातें की आज मैं इतना कूल डाउन होकर बात भी नहीं करने वाला था, मैं तो आज पक्का सोच कर रखा था कि मैं तो आज पक्का कर दूंगा, बट लाइक क्या बताऊं मैं, होता है ना लाइक हम लोगों को भी सहन करना पड़ता है, तो मैं उतना बहुत मैंने सबर किया है, मेरे भाई की मौत के बाद मैंने बहुत सबर किया है, लोगों की इतनी बातें सुनी है उसके टैटूज के बारे में, उसके इसके बारे में, उसके उसके बारे में, वो ऐसा था वो वैसा था, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर कोई उसके बारे में गलत बात कर रहा है, मगर आप समझो कि जब आपके घर में कुछ ऐसा हादसा हो जाए ना, आपके भाई के बारे में या आपके घर वालों के बारे में कोई कुछ भी बात करे तो वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। बाकी अभी आप लोग, मैं अभी और किसी को लाइव नहीं लेना चाहता, मैं अभी जल्दी बंद कर दूंगा, तो मैं लाइक आपको तो पता ही मैं यहाँ पे काम के लिए आया हूँ, मगर आज जो ये सब चीजें हो रही है मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं एक 5-10 मिनट देता हूँ आप लोगों को, आप लोग को जो पूछना है आप लोग पूछो तो मैं आपको रिप्लाई करता हूँ उन सब चीजों के बारे में। लास्ट बार बोलो भाई कौन जा घर वाले ठीक है, मम्मी भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मैं आपकी उम्र कैसे, उम्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छा गया उम्र, ठीक है, अभी इंशाल्लाह हर हफ्ते दानिश के नाम का उम्र करूंगा जब तक मैं यहाँ पे हूँ, तो आप लोग भी दुआ करो, प्रे करो, प्रार्थना करो, ठीक है। बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि भाई हम लोग ये रिलीजन फॉलो करते हैं मगर हम लोग दानिश के लिए यासीन पढ़ रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं किसी को ये नहीं बोलना चाहूंगा कि आप स्पेसिफिक ये करो या वो करो, मैं आपको बस यही बोलूंगा आप उसके लिए प्रे करो एंड गॉड से, भगवान से, अल्लाह से बस यही प्रे करो कि उसके जो भी गुनाह होंगे छोटे बड़े
वो ऊपर वाला उसे माफ करे एंड उसे जन्नत में, हेवन में, स्वर्ग में जगह दे, ठीक है? तो प्लीज, मैं लाइक मैं कोई पब्लिसिटी के लिए सब चीजें नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं लाइक प्लीज आप लोग उसके लिए प्रे करो, इन सब चीजों को बकवास पे ध्यान मत दो एंड आगे हम लोग सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, रीओपन करेंगे केस, अब फॉर श्योर मैं रीओपन करूंगा, कोई करे नहीं करे मैं केस रीओपन करूंगा, बस मुझे इंडिया आने दो। मैं रीओपन मीन्स री इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, ठीक है? एंड मुझे ये भी जानना है, अब मैं दानिश का फोन तो अभी मैंने अभी तक अच्छे से चेक नहीं किया, मगर अब मैं भी उसका फोन अच्छे से चेक कर लूंगा एक बार, क्योंकि जब से मुझे ये चीज ब्लैकमेल वाली चीज भी कल रात से मेरे दिमाग में बहुत चल रही थी, सॉरी। हाँ, एयरबैग्स नहीं खुले हैं यार, ये तो कॉमन सेंस की बात है, लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हो, आप किसी भी कार में रहो, एयरबैग नहीं खुलेगा, ठीक है? मैंने एक दो वीडियोस भी देखे जिसमें लोग बोलते हैं बिना सीट बेल्ट लगाए भी एयरबैग खुलता है, तो भाई तुम तो कोई अलग ही कार चलाते हो जो शायद बनी नहीं है आज तक, ठीक है? उसके टैटू का क्या हुआ? अरे यार, आप लोग फिर से वही सवाल पूछने बैठ गए, टैटू का क्या हुआ? टैटू का कुछ भी नहीं हुआ, दानिश के जो टैटू थे वो वैसे के वैसे थे। मैं नहीं मानता कि टैटू बनाना गलत है, ठीक है? मैं नहीं मानता, मगर मैं किसी को ये भी नहीं बोलूंगा कि मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा कि आप लोग टैटू बनाओ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं मानता। ऊपर वाला लोगों की फैसले यहाँ से करता है कि तुम्हारा दिल साफ होगा तो तुम्हारे फैसले आसान होंगे, ठीक है? सब कुछ सही होगा तुम्हारी लाइफ में एंड आफ्टर लाइफ भी। तो इन सब चीजों को प्लीज आप लोग ज्यादा गौर मत करो, ध्यान मत दो। अच्छा, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा आप लोगों से, मैं दानिश के अकाउंट पे फिर से पेड प्रमोशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? पेड प्रमोशन मीन्स मर्चेंडाइज प्रमोशन, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ दानिश के अकाउंट पे, ठीक है? क्योंकि काफी दानिश के, वो दानिश के ही काम है, मेरे काम नहीं थे, वो दानिश के ही पेड प्रमोशन थे जो दानिश करता था, तो वो काफी लोगों का काम भी रुका हुआ है उस चीजों से। मगर मैंने ये डिसीजन लिया है, लाइक मेरी मम्मी के साथ मिलकर, मेरी फैमिली के साथ मिलकर हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि दानिश के जो पेड प्रमोशन होंगे एंड वहां से जो इनकम आएगी, वहां से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, वो रेवेन्यू में से 50% हम लोग चैरिटी करेंगे, ठीक है? 50% हम लोग गरीब बच्चों में या जरूरतमंदों को हम लोग वो चीज दे देंगे, ठीक है? तो वो भी जैसे रहेगा, उसके लिए भी हम लोग एक, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने बस बोल दिया एंड हो गई चैरिटी, वैसा भी नहीं है। हम लोग जिस किसी भी तरीके से चैरिटी करेंगे उसका प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे एंड आप लोगों से शेयर करेंगे, ठीक है? तो ये चीज हम लोगों ने श्योरली हम लोगों ने डिसाइड कर ली है कि हम लोग जो भी उसके प्रमोशन है एंड जो भी उसका चलता था वो वैसे ही चलता रहेगा। उसका यूट्यूब से भी, जहां से भी जो भी उसकी रेवेन्यूज थे, उसको हम एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज करेंगे जिससे लोगों की भी मदद हो एंड दानिश को भी लाइक लोगों की दुआ मिले, ठीक है? तो ये हम लोगों का डिसीजन है। अभी आप लोगों को और कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हो। अभी इसके बाद अगर किसी ने कहा कि पेड प्रमोशन कर रहा है भाई पैसे खाने के लिए, तो प्लीज कसम से बोल रहा हूँ मेरा बहुत दिमाग खराब हो जाएगा। तो मैं आपको अभी लास्ट फिर से बोल दे रहा हूँ, पेड प्रमोशन दानिश के अकाउंट पे हो रहे हैं, मैं करूंगा। एंड पेड प्रमोशन क्या होता है यार, बस एक स्टोरी डालनी होती है, वो डालेंगे हम लोग, मगर उस पे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 50%, मैं फिर से बोलता हूँ, उसका 50% हम लोग चैरिटी करेंगे, ठीक है? सेकेंडली मुझे एक चीज और बोलनी थी, लोगों ने पूछ रहे थे कि आप दानिश का वो वाला अकाउंट क्यों नहीं यूज कर रहे हो। तो दानिश का वो जो अकाउंट है 1.7M वाला, वो फिलहाल के लिए मेमोराइज्ड है, ठीक है? वो अकाउंट मेमोरलाइज्ड है, वो अकाउंट का एक्सेस भी अभी तक हम लोगों को प्रॉपरली मिला नहीं है, क्योंकि वहां पे डॉक्यूमेंटेशन देनी है, मैंने आप लोगों को बताया था दानिश का डेथ सर्टिफिकेट एंड ऑल, ठीक है? तो वो हम लोग अभी देंगे। दानिश भाई इनकम कितनी है, दानिश की, भाई दानिश की इनकम कितनी है, दानिश की, सॉरी ये किसने पूछा है? महेश ने पूछा है भाई इनकम कितनी है दानिश की। तो दानिश की कोई स्पेसिफिक इनकम नहीं थी, ठीक है? लाइक दानिश किसी स्टोरी का 10,000 भी चार्ज करता था, किसी स्टोरी का 15,000 भी चार्ज करता था, मगर वो उसके ओल्ड चैनल पे था। अब उसका ये जो चैनल है रियल दानिश ज़हन, अब तो प्रमोशन इसी पे होंगे, वो चैनल पे नहीं होगा बिकॉज वो मेमोरलाइज्ड है। तो अभी जैसे कि जो भी प्रमोशन के हम लोगों को लाइक ऑफर्स आ रहे हैं वो बिटवीन 5 to 8K है, जबकि मैंने लोगों को 10K बोला है, मगर लोग 5 to 8K में ऑफर कर रहे हैं ना। उसका जो भी है हम लोग चैरिटी, मैक्सिमम तो हम लोग चैरिटी ही करेंगे, तो मैंने इसके लिए आपको बताया है। वो एक स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? आपको एक स्टोरी का दानिश को मिलता है 5 to 10K एंड मुझे पता है कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि आप ये सब पर्सनल चीजें क्यों शेयर कर रहे हो, मगर आज की तारीख में मेरे भाई की कोई चीज पर्सनल नहीं रही, ठीक है?
क्योंकि वो आप लोगों से काफी जुड़ा हुआ था एंड काफी हद तक लाइक वो लोग वो आप लोगों को मानता था एंड आप लोगों ने उसको काफी कुछ सपोर्ट किया. तो आप लोगों को भी जानना बहुत जरूरी है कि दानिश की चीजों का क्या हो रहा है. ठीक है, तो दानिश की चीजों की जो भी यूटिलाइज होगा वो अच्छी चीजों में ही होगा. कुछ भी हम लोग उसका लाइक मिसयूज नहीं करेंगे. ठीक है, यही चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा. तो आप लोग इन सब चीजों को प्लीज नेगेटिव नहीं लेना कि दानिश के अब इस चैनल पे पेड प्रमोशन होंगे, पेड ये होगा, पेड वो होगा. प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज का होगा. हम लोग किसी का पेज प्रमोट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, हम हमारा खुद का कंटेंट लाएंगे, खुद का चीजें होंगी. एंड मैं यही बोलूंगा फैम्ब्रो आर्मी के लिए, फैम्ब्रो आर्मी ने दानिश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, जिसके लिए लाइक मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है आप लोगों के लिए. तो हम लोगों ने भी एक डिसीजन लिया है कि अब इट्स टाइम फॉर अस टू डू समथिंग फॉर यू ऑल. सो हम लोगों ने ये भी सोचा है कि दानिश का जो यूट्यूब चैनल है एंड जो दानिश का इंस्टाग्राम चैनल है, इस पे हम लोग तो व्लॉग्स डालेंगे ही डालेंगे, मगर जो भी लोग फैम्ब्रो आर्मी से कनेक्टेड है, ठीक है, एंड वो लोग जानते हैं कि लाइक कोई बंदा है जो टैलेंटेड है, ठीक है, जो अपना टैलेंट शो करना चाहता है मगर उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, वो किसी प्लेटफॉर्म पे अपना टैलेंट शो नहीं कर पा रहा है, सो दे आर वेलकम. ओके, अभी से नहीं, आप सुन लो मेरी बात, ये अभी से नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये आफ्टर मार्च हम लोग एक प्रॉपर एक टीम बनाएंगे. ठीक है, सब कुछ प्रॉपरली हम लोग सेट करेंगे. तो उसके बाद हम लोग ऐसा टैलेंट हंट रखेंगे. टैलेंट हंट में ऐसा होगा कि जो भी बंदों का टैलेंट होगा वो हम दानिश के पेज पे या यूट्यूब पे हम लोग उसको एक प्लेटफॉर्म लाइक जो भी ऑडियंस है वो उसे देखेगी एंड उसका उस बंदे का टैलेंट शो होगा. ठीक है, तो ये सब चीजों का हम लोग जो भी यूटिलाइज करेंगे अच्छी चीजों के इसलिए करेंगे. एंड कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग कोई भी चीज का मिसयूज नहीं करेंगे ना. मुझे काफी ऑफर्स आए कि दानिश का चैनल बेच दो, मैं आपको 25 लाख देता हूँ, मैं आपको 20 लाख देता हूँ, मैं आपको ये देता हूँ, मैं आपको वो देता हूँ, आप इंस्टाग्राम बेच दो, ये बेच दो. तो वी आर नॉट ओपन फॉर सेल फॉर एनीथिंग. मैं हम लोग कुछ भी बेचने वाले नहीं है दानिश का. ठीक है, जो कार ठीक नहीं करवाई, कार ठीक करवा ली है भाई, प्रोसेस में है कार, 7 मंथ से पड़ी है. मेरे भाई को ही फुर्सत नहीं थी कि वो कार बना ले, मगर मैं वो कार बना रहा हूँ. कार बनाकर एक हफ्ते भर का टाइम तो कार बन जाएगी. उसमें भी थोड़ा बहुत काम था, टर्बो का लाइक देन इंजेक्टर के काफी सारे काम थे. तो आप लोग उन सब चीजों को टेक केयर करो. बट मैं अभी जो बता रहा हूँ पहले आप लोग वो चीज सुन लो कि मेरा बोलने का मतलब यह है कि दानिश के जो चैनल्स है वो अभी फैम्ब्रो आर्मी के लिए ही यूज होंगे. आपकी नजर में कोई भी बंदा ऐसा है टैलेंटेड है जो अपना लाइक टैलेंट शो नहीं कर पा रहा है, तो आप लोग मेक श्योर कि आप लोग हम तक पहुंचो. अभी नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, फिर से बता रहा हूँ, ये मार्च के बाद होगा सब कुछ. ठीक है, तो हम लोग जो भी बंदे का टैलेंट है वो हम लोग दानिश के प्लेटफॉर्म पे शो करेंगे एंड वी विल मेक श्योर कि हमारे एंड से जितनी हेल्प हो सकती है उस बंदे को या बंदी को हम करेंगे. ठीक है, आप लोगों को और कुछ पूछना है कि मैं रख दूं अभी, मुझे भी टाइम हो रहा है. एंड प्लीज हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, अनफॉलो करो उस अरिशफा को, अनफॉलो करो, उसको बहुत तकलीफ हो रही है, उसका बहुत अच्छा नाम है. प्लीज आप लोग उसको ये सब मत फॉलो वॉलो करके जबर से कुछ भी कमेंट मत करो. दानिश की बेनली कहाँ गई? दानिश की बेनली दानिश ने शो पे जाने से पहले ही बेच दी थी. ठीक है, एंड वो बेचने के बाद उसके जो पैसे मिले थे उससे उसने होंडा जैज ली हुई थी. इल्यूमिनाटी का मतलब क्या है? अरे इल्यूमिनाटी का कोई मतलब ही नहीं है. हमारे यहाँ पे तो कोई भी किसी भी चीज का मतलब बना देता है. अब मेरा नाम गुफरान है, शायद बहुत लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा. अगर हो सकता था लोग बोलते थे कि दानिश गुफरान है तो लोग ये भी बोलते हाँ दानिश गुफरान है. राहुल तेली, ओके थैंक यू वेरी मच. जो भाई आपने इतना अच्छा कमेंट किया है, मैं आपको थैंक यू ही बोलना चाहूंगा. मैं तो हेटर्स को भी थैंक यू ही बोलना चाहूंगा. राहुल, मैं तो यही बोलूंगा आप एक बार अपने घर वालों को भी ये कमेंट पढ़वा दो प्लीज कि आप क्या कमेंट कर रहे हो. ठीक है, आपकी फैमिली शायद खुश हो सकती है इस कमेंट को पढ़ के. एंड मैं यही बोलूंगा कमेंट करने से अच्छा अगर वही टाइम आप आपकी फ्यूचर पे दोगे, फ्यूचर मैं अपना फ्यूचर कैसे ब्राइट करूँ, मैं क्या करूँ जिससे लाइक फ्यूचर में मुझे फायदा हो, आपको फायदा हो, तो आप वो सब चीजों पर ध्यान दो. इन सब कमेंट करके मुझे लाइक कोई जेलसी फील नहीं होने वाली है कि मुझे कोई किसी नेम एंड फेम का लाइक वो नहीं है. तो इट्स ओके, यू कैन कमेंट एज मच एज यू वांट.
कुछ लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना भाई मेरा मैसेज रीड करो, कर लिया भाई श्रवण। हाँ प्रीत ब्रो, तुम्हारा प्रीत एक्चुअली मैं तुमको नहीं ले रहा हूँ लाइन पे बिकॉज तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं तुमको लाइन पे नहीं ले पा रहा हूँ। सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छे से है। गाइस किसी को कुछ सीरियस पूछना है तो प्लीज पूछ लो, मैंने आप लोगों को बता दिया अकाउंट पे प्रमोशन होगा, प्रमोशन होगा लाइक मैं तो शायद आज से ही कुछ स्टोरीज जानना स्टार्ट करूंगा एंड उसके बाद मैं आपको बता दूं। दानिश के मर्चेंडाइज लॉन्च होंगे, मार्च का टाइम बोला है। दानिश से रिलेटेड जो भी चीज है ना, स्पेशली जो उसकी मर्चेंडाइज है, ठीक है, देन उसके वीलॉग्स हैं, देन आप लोगों के लिए जो मैंने बोला आप लोगों के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि फैमरो आर्मी से जो लोग कनेक्टेड है वो खुद या वो खुद किसी की हेल्प करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं, वी आर ओपन फॉर एवरीवन, ठीक है। तो आपका जो भी टैलेंट है आप लाओ बताओ, हम उस टैलेंट को लोगों को बताएंगे, ठीक है। नाउ इट्स फॉर पब्लिक, आप लोगों को दानिश के लिए जो कुछ करना था आप लोगों ने लिटरली आप लोगों ने बहुत कुछ किया है, तो अब ये हमारा टाइम है कि हम आपके लिए कुछ करें, ठीक है। मैं ये तो नहीं बोल सकता मैं सबके लिए कर सकता हूँ, बट वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि मैं जितना हो सके जितने लोगों की हम मदद कर सके हम करेंगे। दानिश और मेरे स्पेशल मोमेंट एक रहेगा तो मैं बताऊंगा, बहुत सारे मोमेंट्स हैं, सब क्रेजी मोमेंट्स हैं हम लोगों की लाइफ के, मैं बोल भी नहीं सकता, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, बहुत सारे मोमेंट्स हैं बहुत। फैमरो की टी शर्ट जो लॉन्च हुई थी उसका क्या हुआ, फैमरो की टी शर्ट जो लॉन्च हुई थी वो दानिश की कबर्ड में है, ठीक है, मगर वो अब हम लोग प्रॉपरली वे में लेकर आएंगे एंड प्रॉपर वे में देंगे सब, लाइक लॉन्च करेंगे उसे। सो वही मीनिंग, सो वही का कोई मीनिंग नहीं है, वो दानिश का एक था लाइक बात करते करते सो वही गाइस, सो मैं वही कह रहा था, सो वही ऐसा, तो वो सिर्फ वही वैसा। वेयर इज मिया, मिया एक्चुअली दानिश ने लेकर आया था जव्वाद से जिसकी शादी में वो गया था, तो जव्वाद को उसने वो वापस कर दिया है, उसने नहीं वापस किया, हम लोगों ने वापस कर दिया बिकॉज दानिश ने उसको पेमेंट नहीं किया था एंड हमारे में लाइक हम लोग तोता रखना भी अच्छा नहीं समझते, तो उस वजह से हम लोगों ने उसको वापस कर दिया। आप लोग जो बोल रहे हो भाई अपना फैमरो टैटू दिखाओ, तो मैं मुझे पता है इसके ये दिखाने के बाद मेरी मम्मी मुझे बहुत चिल्लाने वाली है, तो अगर तहरीम ये वीडियो देख रही है, लाइव वीडियो देख रही है, तो प्लीज थोड़ी देर के लिए बंद कर देना, नहीं तो मम्मी मुझे बहुत चिल्लाएंगे, बट फॉर यू गाइस, ठीक है। भाई एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज में आप लोग कैसे बताओ यार, सीरियसली आप लोग क्या क्वेश्चन पूछते हो मुझे, मैं कहां से लाऊं एक्सीडेंट का फुटेज। भाई शिल्पा शिंदे ने भी कहा कि दो मिनट क्या कहा, प्री प्लान मर्डर है। अब शिल्पा शिंदे ने तो ऐसा बोला है, मुझे इतने दिन तक लग नहीं रहा था, मगर अब पता नहीं मुझे ऐसा कुछ वाइब्स, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग इतना फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है इन लोगों ने फायदा उठाने के लिए पहले ही प्री प्लानिंग करी हो एंड कुछ करा हो, तो उसके लिए एक बार ये इन्वेस्टिगेशन तो बनती है। मुझे आने दो, मैं खुद जाऊंगा, जो लोगों को मुझे मेरे साथ आना है वो भी आ सकते हैं, ठीक है, दे आर वेलकम। मैंने हमेशा लोगों को बोला है, काफी लोग आए भी थे, लोगों के नाम भी याद नहीं है मुझे, कुछ एक लड़के का नाम सरफराज था, एक कल्पना थी, तो ये लोग उल्लासनगर से 5-6 लोग आए थे, इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बात भी की, मगर सब कुछ देखा तो उनको खुद ही समझ में आ गया कि ये एक्सीडेंट था करके। भाई अभी आप लोग कोई नतीजे में मत पहुंचो, खुद ही मत पहुंच जाओ कि मर्डर हुआ है करके, मैंने बोला है कि हम री इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, अभी आप लोग थोड़ा टाइम तो मुझे आने दो, ठीक है, मुझे फील हो रहा है इसके लिए मैं भी री इन्वेस्टिगेशन करवाने की सोच रहा हूँ, मगर अभी आप लोग थोड़ा टाइम दो प्लीज। भाई स्ट्रेट हेयर करो, मेरे एक्चुअली पहले स्ट्रेट हेयर ही थे, तो मैं 30th December को आने के बाद मेरे पूरे बालों को ग्रे करवाने वाला था एंड स्ट्रेट करवाने वाला था, मेरी दानिश से बात हो गई थी एंड इमरान के सलोन में हम लोग ये करने वाले थे, मगर जो कुछ हुआ है वो तो उसको लेते हुए तो हम लोग ये सब चीजें कर नहीं पाए, मगर मैं कभी ऐसे बाल ज्यादा रखता नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट ही रखता हूँ मेरे बाल,
तो मेरे प्रोफाइल्स पे आप मेरी पिक्स देख सकते हो। मेरे प्रोफाइल को प्लीज कोई भी सब्सक्राइब नहीं करना, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि आप लोग मेरे प्रोफाइल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। जिनको भी जुड़े रहना फैम्रो आर्मी से वो इस अकाउंट से दानिश के वो जो 1.7M वाला है उससे जुड़े रहो, मुझे कोई सब्सक्राइब नहीं करना। मैं नहीं चाहता, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ मैं कुछ करूंगा उसके बाद अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करोगे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, मगर मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे भाई के फेम के लिए या सिंपैथी के लिए मुझे और मेरी बहन को सब्सक्राइब करे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग प्लीज मत करना। दो मिनट, एक अर्जेंट कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ 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 नहीं नहीं नहीं, मैंने इतना गौर से नहीं सुना, ऐसा बोला ही क्या उन्होंने? हाँ नहीं आंटी, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मुझे अभी खुद ऐसा लग रहा है ना कि इन लोगों, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे ऐसा पता नहीं कल से मुझे वाइब्स आ रही है ऐसी। हाँ 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 अच्छा नहीं, अगर उसकी उसकी मॉम ने अगर ये वर्ड यूज किया है ना कि हेलो, हाँ वालेकुम सलाम, हाँ बोलो ना, बोलो। दो मिनट अरफिया, दो मिनट। कीर्ति केसी 138, यू आर बैड, यू हर्ट अरिशफा सो बैडली। भाई व्हाट आई हर्टेड हर, मैंने उसको कोई हर्ट ही नहीं किया, मैंने उसको कुछ बोला ही नहीं है, ओके। मैंने क्लियरली बोला है अरिशफा हमारी बहन जैसी है, ठीक है। मैंने ये सबको बोला था, बहुत बार बोला था, मगर अब से जो ये चीजें हो रही है ना हमारी फैमिली के साथ, पहले आप लोग वो चीज सोच लो कि उसकी मॉम ने क्या क्या किया है, क्या क्या वो कर रही है, ठीक है। मैं फिर भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मली हूँ, एंड आप लोगों को जो कमेंट करना है आप लोग कर सकते हो, जिसको जो समझना है वो समझ सकते हैं, यहाँ तक इवन आप उसकी फैमिली को जो समझना है ना वो समझे और जो करना है वो करे। मैं दानिश की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, मतलब दानिश ऐसा था कि वो क्विक एक्शन लेता था एंड बहुत लाइक उसमें सब्र नहीं थी, मुझमें सब्र है, मैं सब्र जब तक है मैं तब तक कुछ नहीं बोलूंगा, एंड मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो कब तक क्या कर सकती है, ठीक है। मगर आप लोग एक चीज समझ लो, जिस दिन मेरा पानी सब लाइक सर के ऊपर चला गया ना, फॉर श्योर जो भी लोग हमारी फैमिली को ब्लैकमेल कर रहे हैं पिक्स लेकर, चैट्स लेकर, ये वो लेकर, मैं तो यही बोलूंगा भाई आप लोग कोई भी नहीं हो हमारी फैमिली में इंटरफियर करने के लिए, ये हमारा फैमिली मैटर है। आपकी लड़की ने वीडियो डाला है, आप उसे समझाओ कि उसने ये सब चीजें क्यों की है, ठीक है। प्लीज अब ये सब चीजों पे कमेंट करना और अरिशफा पे कमेंट करना बंद कर दो, एंड मुझे मुझसे अरिशफा के बारे में पूछना बंद कर दो, ठीक है। मैं उसको जानता नहीं हूँ, वो हमारी कोई कजिन नहीं है, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो हमारे कुछ भी नहीं लगती है, ठीक है। और अगर वो उसने यहाँ तक कि उसकी लाइक उसकी मॉम ने बोला कि दानिश तो अभी आया है इंडस्ट्री में, दानिश ऐसा है वैसा है, वो तो मैंने सुना है, मेरे पास इन सब चीजों की रिकॉर्डिंग भी है, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगा, इसके लिए मेरा मुंह बंद है, बंद रहने दो, मुझे किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है। तो प्लीज आप लोग भी कोई भी किसी के बारे में गलत मत बोलो, अगर मेरा मुंह खुलेगा तो बहुत लाइक बस सब्र रखने दो मुझे, ठीक है। मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अभी लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अब अरिशफा की फैमिली हो या उसकी मॉम हो, उसके डैड हो, कोई भी हो, अगर आज के बाद किसी ने भी बोला ना कि हम ये वीडियो डालेंगे, ये चैट डालेंगे, वो वॉइस डालेंगे, तो मैं अभी आपको मुंह पे बोल रहा हूँ, आपको जो डालना है जिधर डालना है डाल दो, ठीक है। और ये बोलते ना गीदड़ भपकिया देना बंद कर दो, हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, तुमको यार भीख में फेम मिल रही है ना तो उठा लो, चुपचाप रहो भीख में लेकर, ठीक है, मगर ये अभी और भिखारी चाले मत करो। हेलो, मैं आपको फोन करता हूँ आंटी, हेलो, हाँ मैं आपको फोन करता हूँ, ठीक है, मेरा थोड़ा दिमाग खराब है, हाँ प्लीज, हाँ भाई मैं बस अब यही बोलना चाहता हूँ, किसी को भी बुरा लग रहा है ना, अरिशफा को बुरा लग रहा है, किसने बोला था, कि कीर्ति ने बोला था क्या?